नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूँ गंड योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के पांच अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये योगों की सीरीज चल रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, योगों का सबसे ज़्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र में किया जाता है और मुहूर्त शास्त्र के पांच बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त धर्म सिंधु और भी एक है निर्णय सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर मुहूर्त शास्त्र के बारे में काफ़ी गहन जानकारी दी गई है और योगों की भी काफ़ी सारी गहन जानकारी दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे 27 नक्षत्र होते हैं वैसे ही 27 प्रकार के अलग अलग योग होते हैं। इन 27 योगों के अंदर 14 प्रकार के योग बहुत ही अच्छे माने गए हैं, 5 प्रकार के योगों को मध्यम माना गया है और 8 प्रकार के योगों को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। आइए गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। ये है 27 प्रकार के योग। इसमें से 14 प्रकार के योगों को बहुत ही शुभ माना गया है जिसके नाम है प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभान योग, सुकर्मा योग, वृद्धि योग, वज्र योग, सिद्धि योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और ब्रह्मा योग। इन 14 योगों को बहुत ही शुभ माना गया है। मुहूर्त शास्त्र के अंदर कहा गया है कि अगर इन 14 शुभ योगों के अंदर कोई भी काम का आरंभ किया जाए, कोई भी मांगलिक कार्य किया जाए तो निश्चित तौर पे उसमें सफलता प्राप्त होती है। और इन 14 योगों के अंदर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो भी उसे बड़ा शुभ माना गया है। 5 प्रकार के मध्यम योग है जिसके नाम है ध्रुव योग, हर्षण योग, वरियान योग, परिग योग और इंद्र योग। इसे मध्यम प्रकार के योग माने गए हैं। और 8 अशुभ योग माने गए हैं जिसके नाम है विषकुंभ योग, अतिगंड योग, द्रुति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, व्यतिपात योग और वैधृत योग। अगर इन 8 अशुभ योग के अंदर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है और फिर वो बच्चा जब 15 साल का हो जाता है तो उसकी फिर से एक बार पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक बार पूजा की जाती है उसका फल 15 साल तक मिलता है और 15 साल की उम्र का होने के बाद फिर वो दोष की पूजा फिर से करनी चाहिए। अभी हमारा जो योग आज हम ले रहे हैं और वो है गंड योग। ये 11वें नंबर का योग है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसा कहा गया है कि गंड योग के भगवान है अग्निदेव और गंड योग के भगवान ग्रह देवता है शनिदेव। फिर से कहूंगा, गंड योग के भगवान है अग्निदेव और गंड योग के ग्रह देवता है शनि भगवान। तो इन चीजों की काफी सारी जो शक्तियां है या गुण है ये इनमें देखा गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गंड योग। तो गंड योग में जन्मे व्यक्तियों के बारे में मैं कुछ खास चीजें बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति का जन्म गंड योग में होता है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जिसका भी जन्म गंड योग में हुआ हो वो बच्चा पैदा होते ही 1 साल से लेके 8 साल तक वो बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है। इसलिए वो बच्चा 1 साल से लेके 8 साल तक
बार बार बीमार पड़ता है और उसके लिए दवाइयां करनी पड़ती है। उसके बाद 12 साल से लेके 22 साल तक जब बच्चा पढ़ाई करता है, उसका धीरे धीरे पढ़ाई आगे बढ़ता है, तो इस गंड योग की अगर पूजा पाठ न किया जाए तो वो बच्चा बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होने के बावजूद धीरे धीरे उसकी पढ़ाई कमजोर पड़ती है और उसका पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन कमजोर होता है, वो पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है। और जैसे जैसे 12 साल के बाद उसकी उम्र बढ़ती है, पढ़ाई में उसकी ग्रिप कमजोर होने की वजह से वो बच्चा धीरे 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 पीछे जाने लगता है और नॉलेजेबल होने के बावजूद, कैपेबल होने के बावजूद उसका हायर एजुकेशन नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेजुएशन के बाद उसे MBA, CA, LLB करना चाहिए तो नहीं कर पाता, इंजीनियरिंग करने के बाद उसे MTech करना चाहिए तो नहीं कर पाता। तो जो भी बच्चा गंड योग में पैदा हुआ हो, उसके पैदा होते ही एक साल के अंदर उसकी शांति पूजा करनी चाहिए और भी 15 साल तक उस पूजा का फल मिलता है, और फिर जब 15 साल का हो जाए तो फिर से एक बार गंड योग शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि मुहूर्त मार्तंड के अंदर गंड योग के बारे में क्या कहा गया है। तो सुनिए, मुहूर्त मार्तंड ग्रंथ के अंदर कहा गया है कि गंड योग में जन्मे व्यक्ति बहुत ही चालाक, चतुर और होशियार होते हैं। गंड योग में जन्मे व्यक्ति बहुत ही स्वमानी, स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी होते हैं। गंड योग में जन्मे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक और पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर 36 वर्ष तक बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है और 36 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे उनके जीवन के अंदर सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, लेकिन 36 वर्ष तक उन्हें बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जिसका भी जन्म गंड योग में हुआ हो, ऐसे व्यक्ति पूरे कुटुंब का पालन पोषण करने वाले लोग होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कुटुंब के प्रति जो जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों को निष्ठा से निभाने वाले लोग होते हैं। दिल से बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी होते हैं। इनमें और एक बात देखी गई है कि जो भी व्यक्ति गंड योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। नए नए विषयों का ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो मुहूर्त मार्तंड के अंदर गंड योग के बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है, लेकिन ठीक उसके विपरीत जाते हैं कि मुहूर्त चिंतामणि के अंदर कहा गया है। मुहूर्त चिंतामणि में ऐसा कहा गया है कि गंड योग के अंदर जो भी व्यक्ति पैदा होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपने कुटुंब के अंदर वो यश की प्राप्ति नहीं होती जो उसे मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमेशा पेट से लगती बीमारी होती है और उनको गले की लगते तकलीफें भी देखी गई है, यानी कि पेट की बीमारी यानी गैस ट्रबल, कब्जियात, कॉन्स्टिपेशन, पेट फूक जाना, ऐसी सब तकलीफें, एसिडिटी हो जाना, ये सब उनको होता रहता है। और उनको गले से लगती तकलीफें भी यानी सर्दी, खांसी, कफ, बीमार, ये सब बार बार उनको होता है। उसके बाद मुहूर्त पारिजात के अंदर ये कहा गया है कि गंड योग में जन्मे व्यक्ति बड़े विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। गंड योग में जन्मे व्यक्ति बहुत ही सत्यवादी, बुद्धिमान, गुणवान, ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तों को दिल से निभाने वाले लोग होते हैं। अपने रिश्तों में कभी भी किसी के साथ छल, कपट, धोखा, विश्वासघात नहीं करते, लेकिन बदले में उन्हें अपने ही रिश्तों के अंदर हमेशा छल, कपट, धोखा, विश्वासघात मिलता है। फलस्वरूप वो अंदर से बहुत अकेले पड़ जाते हैं और बहुत जल्दी रिश्तों के प्रति उदास हो जाते हैं। जिनका भी जन्म गंड योग में हुआ हो, ऐसे व्यक्ति
काफी बार बहुत ही गुस्से वाले स्वभाव के होते हैं और अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते और गुस्से में आकर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, फलस्वरूप उनके काफी सारे नुकसान होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर यह भी कहा गया है कि गंड योग बिल्कुल अच्छा योग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके भगवान अग्नि देव है, जो कि अग्नि देखने जाओ तो बहुत ही अच्छी मानी गई है धार्मिक दृष्टि से, लेकिन अग्नि का एक गुण ये भी है कि जो भी चीज अग्नि में डाल दी जाए उसे जला के भस्म कर देता है। वो ये नहीं देखता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है कि उसे जला के भस्म कर देना। तो गंड योग में जन्मे व्यक्तियों को अपने दिमाग के अंदर जो भी गुस्सा है, गुस्से की आग है, उसे शांत करना चाहिए, वरना वो अपने गुस्से के वजह से बनती बातें भी बिगाड़ देते हैं, अच्छे रिश्तों को भी तोड़ देते हैं। उसके बाद गंड योग के स्वामी ग्रह शनि देव, तो शनि के वजह से क्या होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति प्रगति विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। गंड योग में जन्मे व्यक्तियों को वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। गंड योग में जन्मे व्यक्तियों को अपने पढ़ाई के अंदर बहुत दिक्कतें आती है और उनकी पढ़ाई आधी अधूरी छूट जाती है। उनको दो डिग्रियां प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन एक ही डिग्री प्राप्त करके उनकी पढ़ाई छूट जाती है, उनकी दूसरी डिग्री प्राप्त नहीं कर पाते। प्रिय दर्शकों, गंड योग में जिसका भी जन्म होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है, इसीलिए पैदा होते ही एक साल के अंदर गंड योग शांति पूजा करनी चाहिए और उस पूजा का फल 15 साल तक मिलता है। उसके बाद जब बच्चा 15 साल का हो जाए, जब वो दसवीं के अंदर आ जाए, तो उस समय फिर से एक बार गंड योग शांति पूजा करनी चाहिए ताकि उसके हायर एजुकेशन में कोई भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। अभी हम लोग जानेंगे कि गंड योग की पूजा कब करनी चाहिए, उसका कौन सा मुहूर्त होता है, कहाँ पे करनी चाहिए, वो सारी बातों की मैं आपको गहन जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहला पंचांग के अंदर आपको देखना होता है कि कौन से दिन गंड योग का मुहूर्त आता है। जिस दिन गंड योग हो उसी दिन गंड योग की शांति पूजा करनी चाहिए। दूसरा, ये पूजा अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर जाके किसी शिवजी के मंदिर में या फिर दुर्गा माता के मंदिर में जाके ये पूजा करनी चाहिए। तीसरा, किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से गंड योग शांति पूजा करनी चाहिए। चौथा, इस पूजा को कम से कम 5 या 6 घंटे कम से कम लगते हैं। और ये पूजा की शुरुआत कैसे की जाती है, तो सबसे पहले गौ मुख प्रसव शांति की जाती है। गौ यानी गाय, मुख यानी कि मुंह, प्रसव यानी कि प्रसूति डिलीवरी, तो गाय के मुख से फिर से जन्म होना, इसे कहते हैं गौ मुख प्रसव शांति। ये पूजा होने के बाद कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण पूरा विधि विधान से पूजा करता है। सबसे पहले संकल्प दिलाता है, संकल्प होने के बाद अग्नि पूजन होता है, अग्नि पूजन होने के बाद गणपति पूजा, कलश की पूजा, पुण्यवाचन, मातृ का पूजन, नवग्रह पूजन, रुद्र पूजन, नक्षत्र पूजन, उसके बाद 27 योगों के पत्तों को बिछाया जाता है और 27 पत्तों के ऊपर 27 सुपारियों को रखा जाता है और बीच के अंदर 3 भगवानों की खास पूजा करनी पड़ती है। उसमें जो गंड योग है उसके ग्रह देवता कौन है, शनि, तो शनि की खास पूजा करनी चाहिए, उसके कम से कम 21,000 मंत्र जाप करने चाहिए। गंड योग के भगवान कौन है, अग्नि देव, तो अग्नि देव के कम से कम 11,000 मंत्र करने चाहिए। और इन दोनों के ऊपर अगर जो कोई अच्छा फल चाहिए तो रुद्र की पूजा करनी चाहिए जो शिवजी का एक स्वरूप है। तो शनि, अग्नि और रुद्र, ये तीनों भगवानों की शास्त्रोक्त मंत्रोच्चार और पूजा करनी चाहिए। फिर होम हवन शुरू होता है।
होम हवन होने के बाद 27 अलग अलग वनस्पतियां, इन 27 अलग अलग वनस्पतियों को तोड़कर ये वनस्पतियों को गर्म पानी में उबाला जाता है, और ये पानी को थोड़ा ठंडा होने के बाद जिसकी भी ये पूजा हो उसके ऊपर उसका अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करने के अंदर भी ऐसा नियम है कि एक मटके को लेना चाहिए, उस मटके में 27 खड्डे करने चाहिए। अगर मान लो मटके को आप 27 खड्डे नहीं कर पाते तो क्या करना चाहिए, जो आटा छानने की जो छन्नी होती है उसको रखकर उसके ऊपर अभिषेक किया जाता है, यानी छन्नी में पानी डाला जाए और वो पानी छन्नी में से पास होकर उस व्यक्ति के ऊपर गिरे जिसका गंडियोग शांति है। और कम से कम अभिषेक चलता है 20 मिनट। ये अभिषेक होने के बाद उसे शिवजी का रुद्राभिषेक कराया जाता है, और फिर एक कांसे की थाली के अंदर देशी घी को भरना चाहिए, उसमें सोने का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अगर मान लो सोना नहीं रख पाए तो क्या करें, तो पंच तत्व यानी कि पंच धातु का एक टुकड़ा आता है वो अंदर रखकर बच्चे को अपना मुंह देखना होता है, और उसके साथ साथ उसके माँ बाप को भी उस छाया पत्र के अंदर अपना मुंह देखना होता है। कांसे की थाली के अंदर देशी घी को भरकर उसमें जो सुवर्ण डाला जाता है इसे कहा गया है छाया पत्र, और इस छाया पत्र के अंदर बच्चे को अपना मुंह देखना होता है, माँ बाप को भी इसके अंदर अपना मुंह देखना होता है, और फिर जो गीले कपड़े हैं उस गीले कपड़े को छोड़कर नए कपड़े धारण करके ब्राह्मण के आशीर्वाद लेकर दान दक्षिणा देकर वहां से घर पे आना होता है। लेकिन याद रहे, ये पूजा उसी दिन होनी चाहिए जिस दिन गंडयोग हो। ये पूजा शिव मंदिर या फिर दुर्गा माता के मंदिर में होनी चाहिए, किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण से होनी चाहिए, और अगर ये पूजा बराबर की हो तो कम से कम 6 घंटे तक पूजा चलती है, और उसमें गौ मुख प्रसर शांति करना अति आवश्यक है, और 27 वनस्पतियों को पानी में उबाल के अभिषेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आखिरी में होता है छाया पत्र। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको गंड योग के बारे में काफी गहन जानकारी दी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।